thank you उपापन के दस्तावेज किस तरह से रखे जाएं इसके बारे में धारा 10 और नियम उन्यासी में विस्तार से बताया गया है धारा 10 और नियम उन्यासी में कहा गया है कि धारा 5 के अंतर्गत किए गए आवश्यकता का अवधारण और धारा बारह के अंतर्गत उपापन की विषय वस्तु का विवरण भाग लेने वाले बोलीदाताओं का विवरण कीमत बोलियां तथा बोलियों का मूल्यांकन और धारा 38 के अंतर्गत की गई अपील और बोलियों को रद्द करने के कारण इत्यादि का रिकॉर्ड रखा जाएगा यदि धारा 29 की उपधारा 4 के अंतर्गत खुली प्रतियोगी बोली नहीं अपनाई गई है तो उसके कारण को भी रिकॉर्ड पर रखा जाएगा नियम सात के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा धारा पाँच के अनुसार वर्ष के दौरान उपाप्त किए जाने वाले माल संकर्मों या सेवाओं के प्रत्येक मद के लिए उपापन योजना तैयार की जाएगी इस उपापन योजना में उपापन की क्वालिटी अनुमानित लागत और बजट की व्यवस्था आदि तय किए जाएंगे प्रकृति माल संकर्म सेवाएं, मुख्य विनिर्देश परिणाम प्रकार गुणवत्ता प्राकलित मूल्य निधियों का स्रोत बजट कोड उपापन की अनुसरण की जाने वाली संभाव्य पद्धति बोली प्रक्रिया के लिए समय सीमा आदि तय किए जाएंगे नियम आठ के अनुसार प्रत्येक बोली हेतु एक विशिष्ट बोली संख्यांक तय करना आवश्यक है नियम नौ के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया ट्रैक करने के लिए उपापन प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी जिसमें उपापन प्रक्रिया के कार्य संपादन को ट्रैक करने के क्रम में सूचना का समाकलन त्रैमासिक आधार पर उपापन संस्था के स्तर पर किया जाएगा तथा समाकलन हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजा जाएगा प्रशासनिक विभाग संकलित उपापन प्रबंधन सूचना को त्रैमासिक रूप से राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को भेजेगा नियम 10 के अनुसार उपापन संस्था एक उपापन रजिस्टर का संधारण करेगी अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मतलब कोई अगर ऑफिस टेंडर करता है तो उसको कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए ये भी रूल में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 10 में लिखा हुआ है धारा 10 धारा 10 के अलावा नियम नियम गुणसित्तर ये सारे नियम रिकॉर्ड संधारण से संबंधित है कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं ठीक है ना देखो सबसे पहले सेक्शन दस कहता है कि आप एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ नीड यानी सेक्शन पाँच में हमने जो देखा था कि आवश्यकता का अवधारण उससे संबंधित सारा रिकॉर्ड रखोगे कि आपने क्वांटिटी कैसे तय करी आपने अपने प्रिक्योरमेंट का मेथड क्या तय करा वगैरह वगैरह जो भी सेक्शन पाँच में आपने आवश्यकता के अवधारण के टाइम जो आपने कार्रवाई की थी उसका आप रिकॉर्ड रखोगे कौन कह रहा है सेक्शन दस कह रहा है इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अंडर सेक्शन बारह धारा बारह जो है वो आपको पाबंद करती है जो भी विषय वस्तु की आप जो भी सब्जेक्ट मैटर है आपका जिसकी आप खरीद कर रहे हो उस चीज़ का पूर्ण विवरण आप रखोगे ठीक है ना और एक ये भी आपको रिकॉर्ड पर रखना है धारा दस कह रही है कि आपने अगर ओपन कंपटीशन नहीं करा है खुली बोली नहीं करी है खुली बोली छोड़ के सीमित बोली में चले गए हो या आप सिंगल सोर्स में चले गए हो तो उसका आप रीजन रिकॉर्ड करोगे और वो हम कब करते हैं सेक्शन 29 का फोर धारा गुनतीस का चार हमें कहता है कि आप हमेशा ये रिकॉर्ड तो रखोगे ठीक है पांचवी चीज आप रखोगे सारे बिडर्स की जानकारी नाम पते एड्रेस किस किसने भाग लिया ये सब आपको रिकॉर्ड रखना है यो नहीं कि टेंडर ख़त्म हो गया आप उसका रखो ही ना उसका रखना पड़ेगा आपको फिर रखना पड़ेगा बिड प्राइसेस जो जो बोलियां आई एक तो किस किसने दी और किस किसने कितनी प्राइस दी ये भी आपको रखना पड़ेगा ठीक है ना फिर समरी ऑफ रिवल्यूशन ऑफ बिड यानी आपने बोलियां का मूल्यांकन करा पूरी शीट बनाई कंपेटेटिव बनाया यस yes, नो no करा आपने अपना जो भी क्राइटेरिया तय करा था वो आगे लिखते हो फिर इधर फर्म का नाम लिखते हो टिक करते हो, चलते हो हाँ सा इसने ये ये पूरा किया जो नहीं करता उसका क्रॉस कर देते हो वो डिसक्वालीफाई हो जाता है उस चीज़ को आप उस समरी को रिकॉर्ड पे रखेंगे ऐसा नहीं उसको रफ कागज समझ के फेंक दो वो आपका महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है और वो रखना आपको जरूरी है सेक्शन टेन आपको पाबंद कर रहा है इसके बाद मान लो कोई बोलीदाता को किसी बिडर को किसी ठेकेदार को कोई ग्रीवेंस हो गई तो कोई उसको शिकायत है आपसे और उसने अपील कर दी है अपील के सारे रिकॉर्ड आप टेंडर फाइल के साथ सुरक्षित रखोगे ये कौन पाबंद कर रहा है अपन को सेक्शन टेन कह रहा है ऐसा कि आप ऐसा करेंगे साथ तो आपको कहता है कि आप एक प्रिक्योरमेंट का प्लान बनाएंगे योजना बनाएंगे ऐसे नहीं अफरा तफरी में सो रहे हैं साहब बजट आ गया दिवाली तक तो नींद उड़ेगी फिर अक्टूबर में नवंबर में टेंडर करेंगे एक टेंडर फैल हुआ फिर पता चला बजट रिलैप्स हो गया तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप क्या करोगे आप ये करोगे साल के शुरू में शुरू में ही एक प्लान बनाओगे प्रिक्योरमेंट प्लान है ना बना के आप तय करोगे कौन सी चीज़ खरीदने की कितने खरीदेंगे टेंडर कब होगा वगैरह वगैरह वो सारा प्लान बनाकर अप्रूव करके रखोगे ठीक है ये देखिए शुरू में ही आपको पीई को पीई कौन होती है प्रिक्योरमेंट एंटिटी उपापन संस्था वो साल के शुरू में बनाएगी इसके अंदर वो लिखेगी कि जो आप सामान खरीद रहे हो वो गुड्स है वर्कस है या सर्विसेज है क्या चीज़ है उसका नेचर क्या है नंबर वन नंबर टू उसके मेजर स्पेसिफिकेशंस क्या है कितनी क्वांटिटी है क्वालिटी क्या है किस टाइप का मैटर है वो किस टाइप की चीज़ खरीदना चाहते हैं वो सब आप उसके इस्पेसिकेशन लिखोगे उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है ये भी आप लिखोगे कितना अनुमानित मूल्य है उसका ख़रीद का फिर बजट हेड कौन सा रहेगा किस हेड में पैसा आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है ये सब बात उसमें लिखी जाएगी फिर प्रिक्योरमेंट का मेथड क्या है और कितने टाइम में आप खरीद लोगे ये और इम्पोर्टेंट है कैसे तो खरीदोगे और कितने टाइम में खरोगे इसकी पूरी योजना बना कर और आप अपने हेड ऑफ ऑफिस और या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो अपने पी e. से इसको अप्रूव करा के रखेंगे प्रिक्योरमेंट प्लान को ये कौन कह रहा है ये कह रहा है रूल सात रूल सेवन हमको इस बात के लिए पाबंद कर रहा है कि हम एक प्रिक्योरमेंट प्लान बनाएं और इस तरह से बनाएं। अगला हम देखते हैं रूल आठ रूल आठ कह रहा है कि हरेक टेंडर का एक नंबर होगा यूनिवर्सल यूनिक नंबर होगा ठीक है ना यूनिक नंबर होगा और जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे दांतों की बनावट में भी हर दांत का एक नंबर फिक्स होता है जो डेंटिस्ट होता है उसको पता होता है कि आपका तीस नंबर का दांत खराब हो रहा है या तीन नंबर का हो रहा है उन्होंने नंबर फिक्स कर हैं ये यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है हर एक इंसान का तीन नंबर का दांत एक ही जगह होता है इस जगह होता है उनको पता होता है ठीक है उसी तरह से बिड में यानी बोली में यानी टेंडर जो जो पहले टेंडर कहते थे आजकल बोली बोलते हैं तो उनके अंदर आपको एक यूनिक बिड नंबर तय करना है ठीक है ये ट्रैकिंग पर्पस होता है जब भी हमको पता लगाना हो वे कितनी बोलियां हुई कब हुई कितने की हुई इस सब को पता लगाने के लिए ये ज़रूरी है ये कोड की तरह होता है और ये डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करता है ठीक है वैसे तो जो गुड्स के मामले में जैसे पाँच लाख से ऊपर की बोली हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो ई प्रॉक पे आप जो ही लोड करते हैं एक आपको यूनिक बिड नंबर मिलता है ठीक है ना वो मिल जाएगा अगर पाँच लाख से कम वाली ख़रीदे हैं गुड्स की तो उस केस में आपको एक अपना खुद का यूनिक नंबर जनरेट करना होता है इसको फाइल नंबर कह सकते हो जैसे जी डब्ल्यू डिपार्टमेंट का तो पहले डिपार्टमेंट नाम आ जाए फिर एस सी उदयपुर फिर गुड्स का है ओपन कॉम्पिटिट बिल्डिंग है वर्ष मान लो पंद्रह सोलह है या बीस इक्कीस है जो भी है और यह आठ नंबर है इस तरह से एक आप यूनिक बिड नंबर डालेंगे ठीक है ये बात हुई रूल आठ की नियम आठ हमको ये पाबंद कर रहा है नियम आठ के बाद हम देखेंगे नियम नौ क्या कह रहा है वो भी रिकॉर्डिंग की बात कोई रिकॉर्ड रखने की बात कहता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ट्रैकिंग रूल नाइन तो हम जब बात कर रहे हैं किस किस तरह के रिकॉर्ड रखने हैं तो उसमें नियम नौ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है कि हरेक पी जो भी उपापन संस्था है प्रिकरण एंटिटी वो एम आई एस मेंटेन करेगा हर हरेक पी अपने प्रशासनिक विभाग को ये सूचना भेजेगा कि उसने पूरे साल में कितनी खरीद करी है और वो आगे एस पी एफ सी सेल जो है स्टेट प्रिक्योरमेंट फैसिलिशन सेल जो है इसमें इंफॉर्मेशन जाएगी कितनी खरीद हुई है ठीक है और ये प्रिक्योरमेंट एम आई एस जो है वो एस पी एफ सी सबको इसको संकलित करेगा ये बात हो गई रूल नाइन की नियम दस ये कहता है कि हर एक प्रिक्योरिंग एंटिटी को एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है कि उसने कितनी निविदाएं कही निविदा रजिस्टर को मेंटेन करेंगे और रूल सेवनटीन कह रहा है कि जो भी आपके बिडर्स हैं उनके नाम पते उनके द्वारा दी गई प्राइस और आपने अगर कोई बिडिंग डॉक्यूमेंट में चेंज किया है तो वो और किस किस को आपने डिसक्वालीफाई किया डिसक्वालीफाई किया है उनका विवरण और जो बिड्स है उनका कंपेरिजन ये सब आपको रिकॉर्ड पे रखना है सत्यनिष्ठा भंग करने पर बोलीदाता को बोली प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसकी बोली प्रतिभूति को भी जब्त कर लिया जाएगा और उसके अन्य कोई प्रतिभूति बॉन्ड इत्यादि हो उसको भी जब्त किया जा सकता है तथा उपापन संस्था द्वारा किए गए संदायों की उन पर बैंक दर से ब्याज सहित वसूली तथा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली की जा सकेगी उसके भुगतान में से ब्याज सहित रिकवरी की जा सकती है जो संविदा हो रखी है उसे रद्द किया जा सकता है और बोलीदाता को बोली प्रक्रिया से तीन वर्षों के लिए डिबार किया जा सकता हम बात करेंगे अब कोड ऑफ इंटीग्रिटी सत्य निष्ठा क्या है ठीक है सेक्शन 11 रूल अस्सी इक्यासी और बयासी यानी धारा 11 और नियम अस्सी इक्यासी और बयासी कोड ऑफ इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं और ये दोनों के लिए लागू है दोनों मतलब पी बी और बिडर भी, भी जो टेंडर जारी कर रहा है वो अधिकारी वो कर्मचारी वो संस्था और जो टेंडरों में भाग ले रहे हैं निविदादाता उन दोनों के लिए लागू है किसी एक के लिए नहीं है ठीक है अब ये क्या क्या चीज़ है दोनों के लिए दोनों के लिए निषेध है कुछ चीज़ें नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे रिश्वत नहीं लेंगे कोई इनाम नहीं लेंगे गिफ्ट नहीं लेंगे किससे नहीं लेंगे ठेकेदार से नहीं लेंगे ठीक है नंबर वन नंबर टू आप टेंडर के अंदर कोई भी चीज़ गायब नहीं करोगे ऑमिशन नहीं होना चाहिए मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कोई बात का गोल मोल घुमा फिरा के आप ऐसा उनको उल्लू बनाने की कोशिश करो अधिकारियों को आप ये नहीं करेंगे कौन नहीं करेगा बिडर नहीं करेगा कोई तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कोई कॉल्यूजन यानी दुर्भिसी ऐसे कोई षडयंत्र रच के आप टेंडर नहीं लेंगे और बिड रेगिंग और एंटी कॉम्पटेटिव बिहेवियर यानी पूल बना के टेंडर लेना ये करना बिल्कुल मना है ठीक है इसके बाद आप कोई धमकी हमकी नहीं दोगे ऐसा नहीं हो आप अफसरों को धमका के और टेंडर लोग को कोई ऐसा बिडर ना करे ठीक है और जब भी ऑडिट आवे कोई कोई भी जांच हो तो उसको अगर रोकने की कोशिश करोगे तो भी क्या हो जाएगा कोड ऑफ इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा का भंग होना माना जाएगा कि भाई सत्यनिष्ठा भंग हो गई ठीक है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई है तो उसका डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मान लो मेरा कोई हित है मान लो मेरा बेटा ही अगर किसी टेंडर में भाग ले रहा है तो मुझे इसको डिस्क्लोज करने की मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने हायर ऑफिसर्स को इंटीमेट करूंगा कि इस टेंडर में मेरे रिश्तेदार मेरे भाईबंद मेरे दोस्त भाग ले रहे हैं तो मेरा क्या हो गया मेरा उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है क्योंकि मेरा उधर भी इंटरेस्ट है ऑफिस में भी इंटरेस्ट है तो दोनों इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया ठीक है तो हम इसको अवॉइड करेंगे और अथॉरिटीज़ को हम सूचित करेंगे और अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो पीई उपापन संस्था जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है सेक्शन सक, ट्वेंटी फाइव में ठीक है इसके अलावा पिछले तीन सालों में उपापन के मामले में पिछले तीन सालों में अगर किसी को डिबार किया है, है ना तो वो डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है छिपाए नहीं मतलब जैसे मान लो आपने और किसी राज्य में टेंडर किया है वहाँ पे आपको डीवार कर दिया किसी कारण से आपकी मनी जब्त हो गई आपको टेंडर में भाग लेने से रोक दिया गया तो वो आपको डिस्क्लोज करना है हाइड नहीं करना है ठीक है अगर हाइड करेंगे तो क्या माना जाएगा सत्यनिष्ठा का भंग होना माना जाएगा ठीक है ये सत्यनिष्ठा के बारे में प्रावधान है और ये सेक्शन 11 और रूल 81, 82, 83 के बारे में ठीक है अब मान लो मान लो के सत्यनिष्ठा भंग हो गई करनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो गई हो गई तो क्या करें करो क्या उसको एक तो एक्सक्लूजन ऑफ फ्रॉम द प्रोसेस देखिए अब बात यह है कि कोड ऑफ इंटीग्रिटी में बहुत सारी बातें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए लेकिन उसकी पालना नहीं हुई मान लीजिए अब पालना नहीं हुई और सत्यनिष्ठा भंग हो गई भंग हो गई तो क्या करें तो आपको एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी पूरी लिस्ट दे रखी है क्या करना है आपको एक तो उसको प्रोसेस से बाहर कर दो जिसने भंग करी है उसको आप प्रोसेस से बाहर कर दो नंबर दो उसकी बिट सिक्योरिटी अगर ठेकेदार ने कराया तो उसकी बिट सिक्योरिटी जब्त कर लो फोर फ्यूचर ऑफ बिट सिक्योरिटी ठीक फिर आप फोर फ्यूचर ऑफ प्रिक्योरमेंट रिलेटेड अदर सिक्योरिटी बॉन्ड और भी कुछ उसका सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह पड़ा है तो वो भी आप जरूरत के हिसाब से उसको जब्त कर सकते हो फिर रिकवरी ऑफ पेमेंट मेड विद इंटरेस्ट कोई आप पहले उसको आप भुगतान कर दिया कास दिया है तो उसको भी आप जब्त कर सकते हो विद इंटरेस्ट उससे वसूल कर सकते हो अब कोई कहेगा साहब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे वैध उसके ऊपर जुडिशल स्टाम्प पे कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कैसे करें उसको अब क्या करें कॉन्ट्रैक्ट हो गया उससे वो माल सप्लाई करेगा मान लो कोई बात उसने नहीं छुपानी चाहिए छुपा ली छुपा ली और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मान लो कोई ठेकेदार डिबार हो रखा था उसने आपको बात नहीं बताई कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया उसने सप्लाई चालू कर दी साल सप्लाई चालू कर दी और आपसे एक वैध एग्रीमेंट के तहत कर रहा है वो है ना तो अब सवाल ये है कि साहब वो तो कानून के तहत स्टाम्प ड्यूटी चुका चुका एग्रीमेंट कर चुका है तो क्या करें क्या क्या करो आपको दारा ग्यारह ये कहती है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो वैध संविधा को आप रद्द कर सकते हो ठीक है ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और क्या करोगे उसको तीन साल के लिए सेक्शन 46 में जाके डिबार कर देंगे धारा छियालीस का उसको नोटिस दो उसको स्पष्टीकरण ले उसको मौका दो नैसर्गिक जो न्याय का सिद्धांत है उसको सुनवाई का मौका दो उसको बकायदा नोटिस दो और उसको आप तीन साल के लिए डिबार कर दो ठीक है तो ये सारी बातें कब करोगे जब सत्यनिष्ठा भंग हो जाए ठीक है ना सत्यनिष्ठा क्या होती है वो हम देख चुके अब सत्यनिष्ठा अगर कोई भंग कर दे तो हमको ये सारे एक्शन लेने हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है कोड ऑफ इंटीग्रिटी के बारे में सत्यनिष्ठा को हमने देख लिया कि धारा ग्यारह क्या कहती है फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रूल में क्या कह रहे हैं रूल में भी कुछ चीजें बता रखी है रूल अस्सी इक्यासी और बयासी तीन नियम हैं जो अपन को सत्यनिष्ठा के बारे में और डिटेल में बताते हैं तो सत्यनिष्ठा में ये स्लाइड थोड़ी दब रही है इस पिक्चर की वजह से यहाँ लिखा हुआ है डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन विद अनऑथराइज पर्सन टेंडर की सूचना जो है किसी भी, भी असंबंधित व्यक्ति को जो ऑथराइज ना हो उसको आप शेयर ना करें शेयर करते हो अगर ऑफिसर कर रहा हो जैसे मान लो मैं ऑफिसर हूँ मैंने टेंडर किया है और मैं एक की सूचना दूसरे को देता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सत्यनिष्ठा को भंग कर रहा हूं और मैं इसका दोषी हूं ठीक दूसरा है डोंट यूज टेलर्ड स्पेसिफिकेशन इस पिक्चर के नीचे दब रहा है कोई बात नहीं बात यह है कि आप कोई भी ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं बनाओगे जिससे कि ये तो इन हो जाए और ये आउट हो जाए ठीक है आप बराबरी के हिसाब से बनाओगे ये दिमाग में रख के नहीं बनाओगे मैं किसी एक व्यक्ति को इन कर लूँ और दूसरे को आउट कर लूँ टेलर्ड मेड इस स्पेसिफिकेशन इसको रूल में रूल एट्टी कहता है तो आप टेलर्ड मेड स्पेसिफिकेशन नहीं बनाओगे स्पेसिफिकेशन बनाओगे वो जनरल होनी चाहिए है ना किसी एक को इन और दूसरे को आउट करने के उद्देश्य से आप नहीं करेंगे ऐसा आपका उद्देश्य दूसरा हो सकता है क्वालिटी मेंटेन करनी है आप बना सकते हो लेकिन ऐसा न हो कि आप किसी एक फर्म को इन और आउट करने के हिसाब से स्पेक्शन बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल किसी की बात हो जाए एच वाले से तो आप एच वाले के स्पेसिफिकेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ठीक है और होता क्या है कि जब भी आप कोई इंटेंसली कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होती है मैंने कुछ ऐसे भी टेंडर देखे हैं जिसमें लोगों ने कॉपी करते समय हु उसको कर लिया और पेस्ट कर दिया पता चला कि उस फर्म का एक पर्टिकुलर जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी स्पेसिफिकेशन में छप गया ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे एच को फेयर करना है तो एच के स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर ख़रीदने के मामले में मैंने इस तरह से कॉपी पेस्ट कर दिए कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही उसमें छप गया इसका मतलब ही हुआ एच पी के अलावा कोई सामान दे ही नहीं सकता तो आपने क्या करा रूल 80 का वायलेशन करा कोड ऑफ इंडिक भंग सत्यनिष्ठा आपने करी भंग ठीक है ऐसा ना करें ना करने के लिए कहता है आपको रूल एट्टी एक्चुअली आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फिर क्या करें जब हमको कुछ क्वालिटी मेंटेन करनी हो तो क्या करें आप एक रेंज बनाइए ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स के मामले में आपको चाहिए कि 128 सौ एम की रैम होनी चाहिए मान लो ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है तो आप एक रेंज रेंज बनाएंगे कि एच कितने रैम की बना रहा है लिवेनो कितने रेंज की बना रहा है और तीसरी कंपनी कितने रेंज की बन है उसका एक स्टडी करेंगे और वो आप रेंज देंगे यहाँ से यहाँ तक की रेंज ठीक है एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर सकते हैं उससे ये होगा कि बाकी कंपनियाँ भी इन हो सकती है ऐसा नहीं कि आपने एक फिक्स कर लिया तो एक कंपनी इन होगी बाकी आउट हो जाएगी प्लीज़ डोंट डू दैट नेक्स्ट है डोंट यूज़ न्यू इवोल्यूशन का देखिए टेंडर आपने जारी कर दिया जितना दिमाग आपको लगाना है उतना दिमाग आप पहले लगा लो टेंडर की शर्तें फिक्स कर लो और एक बार जब टेंडर की शर्त फिक्स हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी नया तरीका इजाद नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है हाँ टेंडर की जो भी इवोल्यूशन की शर्तें हैं वो बिड डॉक्यूमेंट पहले से लिखी जाती है पहले से बिल्कुल क्लियर होता है क्रिस्टल क्लियर होता है ऐसा नहीं है कि आप टेंडर एवोल्यूशन करने लगे और उस समय कहें साहब ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास पार्टी है इसने तो पिछली बार भी हमको सप्लाई नहीं थी वगैरह वगैरह ऐसा आप नहीं करेंगे अगर ऐसा है तो आप टेक्निकल जो ईवल्यूशन होता है बिड का उसके जो भी पैरामीटर्स तय करें हैं उसमें आप उसको इन या आउट कीजिए न कि आप अपनी पर्सनल विम्स से किसी को इन या आउट करेंगे अगर ऐसा करते हैं तो वो रूल 80 नियम 80 की जो है आप अवहेलना कर रहे हैं पांचवी बात जो हमने नरेट करी है स्लाइड में डोंट गेट एनी फेवर रिक्रिएशन प्रेजेंट सर्विसेज फ्रॉम बिडर ठेकेदार है आपको कहेगा साहब पधारो हमारा रिसोर्ट है आप रुको फ्री में रुको ये वो दैट यू नॉट एक्सेप्ट नो फेवर यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द बिडर ठीक है कौन मना करता है रूल एट्टी मना करता है ना आप उससे कोई भेंट लेंगे ना उसका कोई आप आतिथ्य स्वीकार करेंगे और ना कोई उससे सेवाएं प्राप्त करेंगे वो आपको कह दे. के साहब मेरी गाड़ी जो है आपको जोधपुर छोड़ के आएगी आप बोलेंगे नो आई गो फ्रॉम माय व्हीकल ठीक है कौन रोकता है आपको रूल एटी रोकता है आप ऐसा नहीं करेंगे अगर करते हैं तो क्या होता है कोड ऑफ इंटीग्रिटी भंग होती है किसकी तरफ से होती है ऑफिसर की तरफ से छठा है डिस्क्लोज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मेरा दोस्त है बहुत जिगरी दोस्त है वो टेंडर भर रहा है उस केस में मेरे को ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि साहब ये मेरे निजी मित्र हैं और ये टेंडर में भाग ले रहे हैं इसलिए मुझे इस टेंडर प्रोसेस से बाहर किया जाए इस कमेटी से बाहर किया जाए ये रिक्वेस्ट आप अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी प्रिक्योरिंग एंटिटी को लिखित में देंगे तो फिर क्या हुआ कि आपने अपनी तरफ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दिया है विच वॉज़ रिक्वायर्ड अंडर रूल 80, ठीक है ना रूल 80 के अंदर जरूरी था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप डिस्क्लोज करेंगे आपने कर दिया आप फ्री हैं उसके बावजूद भी सरकार आदेश देती है कि नहीं आप प्रोसीड कीजिए इस बिड को फाइनल कीजिए तो फिर आप कर सकते हैं लेकिन आपकी तरफ से डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है ठीक है ये बात हुई रूल 80 की अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में रूल 81 वन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में रूल 81 जो है पीई साइड और बिडर साइड दोनों का बताते हैं ठीक है कि पी ई मतलब प्रिक्योरिंग एंटिटी उपापन संस्था की तरफ से ए, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए वैन एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट इफेक्ट्स ऑफिशियल ड्यूटीज़ कोई भी ऐसा काम है जो कि उसके सरकारी दायित्व को प्रभावित करती है है ना सरकारी दायित्व को जो प्रभावित करती है ऐसा आप काम ना करें दूसरा वैन एम्प्लॉयज कैन गेट एन एम्प्लॉयमेंट और गिफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट ये काम भी ना करें कोई आपको ऐसा कहे कि साहब आप रिटायरमेंट के बाद मेरे से एम्प्लॉयमेंट लेना ये आप स्वीकार नहीं करेंगे ये आपको रूल 81 वन कहता है रूल एटी वन का थर्ड ये कह रहा है कि इफ ऑफिशियल एसेट्स नॉलेज इज़ यूज फॉर प्राइवेट इंटरेस्ट मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ आर टी पी पी में मेरे को सारे नियम पता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने नॉलेज को किसी प्राइवेट पार्टी के पक्ष में यूज़ करूँगा अगर यूज करूँगा तो सत्यनिष्ठा मेरी भंग हो गई ठीक है ना मैंने सत्यनिष्ठा को भंग किया मैं अपने नॉलेज को सरकार के पक्ष में यूज करूँगा ऐसा करने के लिए मेरे को रूल एट्टी वन पाबंद करता है फिर मैं अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को बेनिफिट देने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा अगर करता हूँ तो मैं सत्यनिष्ठा भंग कर रहा हूँ ये चार चीजें हैं जो उपापन संस्था की तरफ से एम्प्लॉज को पाबंद किया जाता है अधिकारियों को पाबंद करता है दूसरी तरफ बिडर्स क्या क्या नहीं करेंगे देखो वो भी बदमाश कर सकते हैं तो बिडर साइड में ये है कि वो कॉमन पार्टनर नहीं रखेंगे आप बात को समझिए दो फर्म हैं उसमें दोनों फर्मों में रामलाल उधर भी पार्टनर है रामलाल इधर भी पार्टनर है तो रामलाल फर्म ए में पार्टनर है तो रामलाल फर्म बी में पार्टनर है इसका मतलब क्या हुआ दोनों फर्में एक ही हैं अलग अलग नहीं है वो अलग अलग ऊपर से हैं लेकिन अंदर तो उनका पार्टनर सेम है इसका मतलब वो पूल बनाए हुए हैं दिखावटी हैं वो अलग अलग पार्टियाँ सिर्फ नंबर से दिख रही हैं मान लो तीन टेंडर आ गए और तीनों में रामलाल एक पार्टनर कॉमन है इसका मतलब आप क्या करेंगे आप उस टेंडर को रद्द करेंगे क्योंकि पार्टनर कॉमन है इसका मतलब एक ही पार्टी ने टेंडर डाला इसका मीनिंग यह है तो कॉमन कॉमन पार्टनर्स नहीं होने चाहिए अगर है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इस टाइप का अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है तो आप उस टेंडर को रद्द करेंगे ठीक नंबर दो सब्सिडी फ्रॉम ईच अदर अगर ए फर्म बी फर्म से सब्सिडी ले रही है और बी फर्म सी फर्म से सब्सिडी ले रही है आप ये समझिए तीनों फर्में एक ही है क्योंकि जब अनुदान ही ले लिया तो वो फर्म अलग हुई नहीं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है एक दूसरे का वो ध्यान रखेंगे मिल वो बिड डाल रहे हैं आपको अलाउ नहीं करना ठीक तीसरा सेम लीगल रिप्रजेंटेटिव फॉर बिड अगर आपका वकील भी सेम है फर्म ए का वकील सेम है फर्म बी का वकील सेम है फर्म सी का वकील सेम मान लो और ये रिकॉर्ड पे आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होने के बाद क्या करेंगे आप उनको रद्द करेंगे उनको निविदा प्रक्रिया से बाहर करेंगे आपका वकील भी सेम नहीं होना चाहिए दो तीन फर्में जो भी भाग लेती हैं उनके वकील भी अलग अलग होने चाहिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेम नहीं होना चाहिए एक चौथी सिचुएशन ये बनती है कि आप एक दूसरे के रिकॉर्ड को देखने की पोजीशन में है रिकॉर्ड आपकी एक्सेस में है देखिए हैव एक्सेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ ईच अदर अगर ऐसा है तो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आप ठीक से समझिए कहाँ कहाँ हो सकता है वो सारे इन्होंने उदाहरण दिए कहाँ पर हो सकता है अब सबमिटिंग मोर देन वन बिट एक से ज़्यादा बिड डाल दूँ कौन, कौन सा नियम मना कर रहा है कि साहब रूल एट्टी वन मना कर रहा है आप टेंडर डालोगे तो एक ही डालोगे एक से ज़्यादा नहीं डालोगे ठीक है और कंसल्टेंट फॉर बिडिंग डॉक्यूमेंट भाई मैं मान लो लिवोनो कंपनी हूँ या एच पी हूँ या और भी कोई आई टी कंपनी हूँ ठीक है बहुत टेक्निकल टेंडर है वेरी कॉम्प्लेक्स टेंडर उसका बिड डॉक्यूमेंट बनाना ही आफत है अब आप क्या करेंगे रूल परमिट करता है आप रूल थ्री में जो कमेटी बनाते हैं उसमें आप किसी एक्सपर्ट को रख सकते हैं आपने क्या किया किसी एक्सपर्ट को रख लिया किसको रखा एक आईटी टी फर्म, फर्म को रख लिया आईटी फर्म कौन है लिवेनो है या एच है उन्होंने आपका टेंडर फॉर्म बनाया कि साहब ये हम आपको इतनी फीस लेंगे और टेंडर फॉर्म बना के देंगे ठीक है दे दीजिए लेकिन वो भाग नहीं लेंगे टेंडर में फिर अगर भाग लेते हैं तो क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है। इसका मतलब कंसल्टेंट जो है बिडिंग डॉक्यूमेंट का वो भाग नहीं लेगा भाग लेगा तो क्या हुआ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये सारे उदाहरण रूल 81 में देख के बहुत क्लियर किया हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है कोड ऑफ इंटीग्रिटी का अगर पालना नहीं हो पाती है तो क्या करना है तो उस केस में आप देखेंगे सेक्शन इलेवन का तीन और रूल एट्टी टू नियम बयासी देख लो और धारा ग्यारह का दो देख लो क्या करना है वो बताता है तो ये कह रहा है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी बाई ए बिडर और बिडर चाहे बिडर हो चाहे भावी बोलदाता हो वो अगर करता है इसका वायलेशन uh, इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है तो आप क्या करेंगे चैप्टर फोर ऑफेंसेज और पेनल्टीज एक्ट का एक चौथा अध्याय पूरा इसी बात पे अपराध और शास्त्रियों पे है है ना उसमें धारा इकतालीस से धारा छियालीस में दे रखा है कि किस किस ऑफेंस में क्या क्या सजाएं हैं कितने साल की जेल है कितना जुर्माना है ये बहुत भारी चैप्टर है ये पहले नहीं हुआ करता था अब जब से एक्ट और रूल्स आए तब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है पहले तो चार्ट शीट देने लगा कुछ चारा नहीं होता था लेकिन अब अलग से हो गया है कि आपने प्रिक्योरमेंट रिलेटेड कोई ऑफेंस कर लिया तो कितने साल की जेल है क्या जुर्माना है वो इसमें दे रखा है तो उसमें आप ऑफेंसेज और पहले पेनल्टीज में जाकर और उसको पनिशमेंट दिला सकते हो उसको सजा दिला सकते हो कहाँ से दिला सकते हो कोर्ट से आप नहीं दे सकते ऐसा नहीं हो आप ही ऑर्डर पास कर दोगे आपको पाँच साल की जेल नो जो भी ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं वो कौन करेगा कोर्ट करेगी ठीक है आप कोर्ट में कहिए कि साहब इस ठेकेदार ने ये बदमाशी करी है ये उसने कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया है इसलिए इसको सजा दी जाए कोर्ट तय करेंगे कितना देना है फिर सेकंड आपके हाथ में जो है ना वो ये है कि आप उसको प्रोसेस से बाहर कर दो एक्सक्लूजन फ्रॉम द प्रोसेस मान लो बिड चल रही है टेक्निकल बिड खुली और पता चला कि भाई उसने तो छुपा ली बात को कोई छुपा ली तो कैसे पता चलेगा वैसे तो कोई तरीका नहीं होता है आपको पता नहीं चलता है कि भाई आप राजस्थान में अगर बिड कर रहे हैं तो उसने मद्रास में या चेन्नई में कभी कहीं बिड करी हो और वहाँ कोई बात हो गई आपको क्या पता चलेगा लेकिन इनके ही मित्र होते हैं वो आपको आके बताते हैं कि भाई इसने यहाँ पे गड़बड़ी करी है जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो फर्मा एक दूसरे की बारे में जानती है तो वो आपको सूचित भी करती है कि साहब इसने यहाँ गड़बड़ कर रखी है तो आप उसको प्रोसेस से बाहर कर देंगे फिर उसकी बिड सिक्योरिटी को जब्त कर लेंगे ठीक है जो भी टू परसेंट जमा कराई है बिड सिक्योरिटी यूजुअली टू परसेंट होती है तो उसको आप जब्त करेंगे और रुगण इका वगैरह उनकी कम है एमएसएमई की भी कम है तो एक तो फोर फीचर ऑफ बिड सिक्योरिटी आप करेंगे इससे क्लियर है कि जब भी ब्रीच ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी हो तो हमें चैप्टर फोर में जो प्रोविजंस दे रखे हैं ऑफेंस एंड जो पेनटीज उसको इवोक करना है ठीक है और उसको पनिशमेंट दिलाना है उसके हम बिड सिक्योरिटी फॉरफिट कर लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रखा है उसको हम कैंसिल कर देंगे जो भी वेद, वेद कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ स्टाम्प पे हुआ होगा भले ही उसको अपन कॉन्ट्रैक्ट करना है और तीन साल के लिए उसको डिबारमेंट करेंगे हम उसको निविदा प्रक्रिया से बाहर निकाल देंगे उसको और ये कार्रवाई करने के लिए हमको पाबंद कर रहा है सेक्शन इलेवन और फोर्टी सिक्स में हम ये कार्रवाई करते हैं फोर्टी सिक्स में उसको नोटिस देते हैं कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसको पूरा कारण बताते हैं कि आपने ये ये गड़बड़ी करी है ये ये आपने इस तरह से कोड ऑफ इंटीग्रिटी को भंग किया है और क्यों नहीं आपको आर की धारा छियालीस के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए उसका अपन जवाब लेते हैं उससे सुनवाई उसको सुनवाई का मौका देते हैं पूरा और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ये सारी कार्रवाई हमको सेक्शन 11 और रूल 82 करने के लिए पाबंद करते